हेलो दोस्तों, पहला सुख निरोगी काया। कहते हैं ना कि सबसे पहले स्वस्थ होना जरूरी है जी। स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है और आधुनिक युग में खराब जीवन शैली के कारण हम अस्वस्थ रहने लगे हैं। इन सब के कारण हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। अतः हमें स्वस्थ रहने के लिए अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपने आप को बीमारियों से बचाना बहुत जरूरी है। यदि अपने दिन और प्रतिदिन के जीवन में हम कुछ बातों का ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ऐसे में हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इस लेख में आज हम कुछ ऐसे ही नियम बताएंगे जो स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो आइए इन्हीं नियमों के साथ अपने लेख की करते हैं शुरुआत। आप लोगों के साथ संतुलित आहार लें। सबसे मेन चीज़ है खाना पीना। ये बात तो आप भी मानते होंगे कि हमारे खान पान का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि हम तली भुनी चीजें हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक है, जंक फ्रूट्स है इत्यादि का सेवन करते हैं, तो ऐसे में हमारे शरीर में वसा बढ़ने लगती है। ये चीजें हमें ना सिर्फ मोटा करती हैं बल्कि हमें कई बीमारियों की तरफ भी ले जाती हैं। यदि इसी तरह हम अपने आहार में हरी सब्जियां, मछली, अंडे, फल, दूध इत्यादि चीज़ों को शामिल करते हैं और इनका सेवन करते हैं, तो ऐसे में ना सिर्फ हम फिट रहते हैं बल्कि बीमारियों से भी दूर रहते हैं। इसलिए अपने आहार को संतुलित रखना बेहद जरूरी है। इस बात का ख्याल रखें कि अपने आहार में संतुलित मात्रा में प्रोटीन और विटामिन और अन्य मिनरल्स की मात्रा अवश्य शामिल करें। खाने पीने में पर्याप्त नींद लें। नींद बहुत जरूरी है। कम से कम 8 घंटे नींद लेनी चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए। रात को जल्दी सोएंगे तभी तो सुबह जल्दी उठेंगे। प्रतिदिन अनुशासन से भरपूर दिनचर्या का पालन करने से न सिर्फ हम स्वस्थ रहते हैं बल्कि हम प्रसन्नता का भी अनुभव करते हैं। रात में जल्दी सोने से हमें सुबह जल्दी उठने में मदद मिलती है। यहाँ तक कि जल्दी सोने के बाद अगर हम सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं तब भी हमारी नींद पूरी हो जाती है। हमें कितने घंटों की नींद लेनी चाहिए उतने घंटों की नींद हमें मिल जाती है, जिससे हमारे शरीर की विभिन्न प्रक्रियाएं भी सही ढंग से होती हैं। समय पर सोने से, समय पर उठने से ना सिर्फ शारीरिक लाभ मिलते हैं बल्कि इससे कई मानसिक लाभ भी मिलते हैं। इसके द्वारा हम सकारात्मकता महसूस कर सकते हैं। सोने से बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है और एकदम से हमारा मन और हम खुद तंदुरुस्त भी अपने आप को महसूस करते हैं। सुबह का नाश्ता बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए समय के अनुसार काम करना चाहिए, जैसे समय पर नाश्ता करना भी जरूरी है। सुबह सही समय पर नाश्ता करने की आदत डाल लो जी। एक रिसर्च में इस बात की पुष्टि की गई है कि जो लोग नाश्ते में पोषण से भरपूर चीज़ें लेते हैं वे पूरे दिन तरोताज़ा महसूस करते हैं। इसी के साथ उनका वजन भी संतुलित रहता है। ज़्यादा मोटापा होगा तो बीमारियाँ उतनी ही ज़्यादा होंगी। हम नाश्ते में अंडे हैं, दूध है, मक्खन है, फल इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। बेहतर है कि नाश्ते में पूरी, पराठे और तली भुनी चीज़ों की जगह पर दलिये का सेवन किया जाए। इससे हमें संपूर्ण दिन ऊर्जावान होने की अनुभूति भी होगी और इसी के साथ हमारा चिड़चिड़ापन भी दूर होगा। पर्याप्त जल का सेवन, पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त जल का सेवन करना चाहिए। ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग सुबह उठकर सबसे पहले चाय पीते हैं जी। स्वास्थ्य के नज़रिए से यदि देखा जाए तो ये आदत बिल्कुल भी सही नहीं है। सुबह खाली पेट चाय पीना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। सुबह खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए बल्कि चाय पीने से पूर्व खाली पेट थोड़ा सा गुनगुना पानी है उसका सेवन करना फायदेमंद होता है। सुबह सुबह पहले पानी पियो उसके बाद में चाय पीनी चाहिए। इसी के साथ हमें पूरे दिन भी पर्याप्त जल का सेवन करना चाहिए, क्योंकि एक CDC की रिपोर्ट के अनुसार एक दिन में एक वयस्क व्यक्ति को लगभग 5-6 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन हम
कितने पानी का सेवन करें यह तो व्यक्ति की उम्र और लिंग पर भी निर्भर करता है। इसके लिए डॉक्टर से पर्याप्त राय लें। पर्याप्त जल का सेवन करने से हमारे शरीर में जल की आपूर्ति होती है और इसी के साथ साथ शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का भी एक माध्यम मिल जाता है। हम अपने शरीर में जल की पर्याप्त मात्रा को पूर्ण करने के लिए कुछ फलों और सब्जियों के जूस का भी सेवन कर सकते हैं, जिससे जल की पूर्ति हो। वर्कआउट या व्यायाम करें। स्वस्थ रहने के लिए वर्कआउट करना अत्यंत जरूरी है। हमें प्रतिदिन 30 से 40 मिनट तक का व्यायाम करना चाहिए। प्रतिदिन व्यायाम करने से शरीर में ऊर्जा की एक प्रणाली सी बनी रहती है। इसी के साथ साथ यदि शरीर में एक्स्ट्रा फैट या वसा मौजूद है तो वो भी खत्म हो जाता है। सुबह उठकर व्यायाम करना शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। योगा तथा ध्यान लगाकर भी एक अच्छी प्रक्रिया है। योग से और ध्यान लगाने से भी हमारे शरीर को काफ़ी फायदे होते हैं। यदि आप बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करते हैं तो कोशिश करें कि आज से ही व्यायाम की शुरुआत करें। शुरुआत के दिनों में आप सब भले ही 2-3 मिनट का व्यायाम करें, लेकिन इसकी आदत अवश्य डालें। शरीर को पतला रखने के लिए स्विमिंग भी करनी चाहिए। जितना मोटा शरीर होगा उतनी ज़्यादा बीमारियां होंगी। तो स्वस्थ रहने के लिए अन्य डेली माध्यम जिनका पालन करना भी जरूरी है। डेली रूटीन में क्या क्या करना चाहिए। कब्ज से पीड़ित लोगों को शाम को समय पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि फाइबर युक्त पदार्थों का सेवन करने से भी कब्ज से राहत मिलती है। दांतों को स्वस्थ एवं साफ रखने के लिए रात को सोने से पहले दांतों को साफ करना चाहिए। उसके बाद एक गिलास पानी पीकर ही सोना चाहिए। खाना खाने के समय अधिक पानी नहीं पीना चाहिए, बीच में एक बार ही पानी पीना चाहिए। यदि हो सके तो खाना खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। खाना खाते ही तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। प्रतिदिन योगा करना हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। यह हमें गंभीर बीमारियों से भी बचा सकता है। फ्रिज में रखे ठंडे पानी को पीने से भी बचना चाहिए। यह न केवल गले के लिए हानिकारक होता है, बल्कि हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। पानी हमेशा मटके का ही पीना चाहिए, हो सके तो बहुत ही फायदेमंद होता है ये। कभी भी बाहर से आने के बाद, बाहर की वस्तुओं को छूने के बाद, घर में खाना बनाने से पहले और खाना खाने से पहले हाथों को बहुत ही अच्छी तरह से धोना चाहिए, क्योंकि बाहर के जो कीटाणु आ जाते हैं वो हमारे पेट में चले जाएंगे सीधे, इसलिए हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। यदि घर में छोटे बच्चे और बूढ़े लोग हों तो स्वच्छता का अधिक ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे और बूढ़े लोगों को बीमारियाँ जल्दी हो जाती, अपनी चपेट में जल्दी ले लेती हैं। घर में सफाई, झाड़ू पोछा, जाला इत्यादि भी साफ करते रहना चाहिए। कूलर में या किसी भी गड्ढे में पानी अधिक समय तक नहीं भरा रहने देना चाहिए, इससे वहां पर मच्छर कीड़े मकोड़े पनपते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। अतः हमें सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। फर्श की सफाई फिनाइल आदि डालकर करनी चाहिए। टॉयलेट और बाथरूम को हमेशा साफ रखना चाहिए, यहाँ से इन्फेक्शन का खतरा अधिक होता है, इसलिए इनकी साफ सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। खाने में पौष्टिक भोजन, दूध है, दही है, सलाद है, फल, अनाज, हरी सब्जियाँ आदि का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा सब्जियों को धोकर ही बनाना चाहिए, उनको धोकर ही प्रयोग में लाना चाहिए। खाने को पकाने के लिए सोयाबीन का तेल और सनफ्लावर ऑयल, मक्का या ओलिव ऑयल को प्राथमिकता देनी चाहिए। बहुत देर तक एक ही अवस्था में भी नहीं बैठना चाहिए। वातावरण में विभिन्न प्रकार के वायरस पनप रहे हैं, जिनसे हमें खुद को बचाना चाहिए। ये जानलेवा साबित हो रहे हैं। हमें अपने आप को
और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रहने के उपायों को बताना चाहिए। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना चाहिए। शरीर को विटामिन डी की आवश्यकता होती है और ये विटामिन डी हमें सूर्य से मिलता है, ये तो आप सभी को पता होगा, जिससे हड्डियां मजबूत रहती हैं। हमें सुबह की 2-3 घंटे की धूप लेनी चाहिए। सुबह सुबह सर्दियों में सूखे मेवे खाने चाहिए, परंतु कम मात्रा में, ज़्यादा नहीं। अखरोट सेलेनियम का अच्छा स्रोत है, इसलिए अखरोट का सेवन करना भी फायदेमंद है। संतरे, अंगूर, नींबू व अमरूद में विटामिन सी की अच्छी मात्रा पाई जाती है, इनका सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। अपने भोजन को पोषण से भरपूर बनाए रखने के लिए उसमें प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, खनिज, लवण और एंटीऑक्सीडेंट की संतुलित मात्रा शामिल करनी चाहिए, जिससे आप स्वस्थ रहो। मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें योगा भी करनी चाहिए। सकारात्मक सोच रखना चाहिए और अपने काम एवं जीवन में संतुलित बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और मनोरंजक गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखना चाहिए, जिससे माइंड फ्रेश रहे। नशीले पदार्थों का इस्तेमाल या सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे हमारे शरीर के पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। इससे यकृत, अमाशय, फेफड़े इत्यादि भी खराब हो जाते हैं, तो नशीले पदार्थों का सेवन करने से बचें। अपनों के संपर्क में रहना चाहिए और अपने मन के भावों को विश्वसनीय व्यक्तियों के साथ ही साझा करना चाहिए, नहीं आजकल लोग गलत फायदा उठाते हैं। बड़े बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, उनकी छोटी छोटी बातें बहुत ही ज्ञान पूर्ण की होती हैं। तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। तांबे में बैक्टीरिया नाशक गुण होते हैं, जो संक्रमण होने से बचाते हैं। यह पानी लीवर के लिए भी फायदेमंद रहता है। सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं और सही से आराम भी नहीं देते हैं। इससे इलेक्ट्रॉनिक वेव्स निकलती हैं, जो हमारे लिए खतरनाक होती हैं। ये मस्तिष्क और शरीर को कमजोर करती हैं, इसलिए इनको दूर रख के ही सोना चाहिए। भूख से अधिक खाना, बिना भूख के खाना व असमय खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। खाना भी है, वो भी जितनी भूख हो और समय पे ही खाना चाहिए। शिशुओं के लिए समय समय पर स्तनपान कराना जरूरी है। नवजात बच्चों के लिए अपनी माँ का दूध है, उससे ज़्यादा पौष्टिक कुछ भी नहीं होता है। तो आप लोगों को कैसे लगे हमारे विचार, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे यही निष्कर्ष निकलता है इन सारे नियमों से कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जो व्यक्ति बीमारी से बचा रहता है, वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। संतुलित आहार की कमी से कुपोषण हो जाता है तथा स्त्रियों में रक्त की कमी, घेंगा रोग, बच्चों में सूखा रोग व रतुंदी तक हो जाता है। यह सब संतुलित आहार की कमी से होता है। तो संतुलित आहार ले समय समय पर, इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें अपने आहार को संतुलित बनाना भी बहुत ज़्यादा। इस लेख में हमने स्वस्थ रहने के कुछ महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा की है। हम आशा करते हैं कि यह लेख आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बार आप लोग इन सारे नियमों को अपना के देखें। लेख से संबंधित सवालों और सुझावों को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे शेयर कर सकते हैं। विशेष किसी भी तरह की एलर्जी या परेशानी या मेडिकल ट्रीटमेंट होने की स्थिति में किसी भी नियम का पालन करने से पहले डॉक्टर की परामर्श अवश्य लें। डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें, क्योंकि डॉक्टर है वो ही कहते हैं ना, आधा भगवान होता है। तो आप लोग डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आप लोगों के पास भी ऐसी कोई अच्छी जानकारी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।